हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार सॉफ्टवेयर पे। ये मेरा जावा स्क्रिप्ट से रिलेटेड 30 ट्यूटोरियल्स है और इस ट्यूटोरियल में हम लोग फॉर लूप का सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। पिछले ट्यूटोरियल में हमने फॉर लूप का बेसिक सिंटेक्स देखा था और फॉर लूप का वर्किंग देखा था। इस ट्यूटोरियल में हम लोग फॉर लूप का सेकंड पार्ट देखने वाले हैं और इस ट्यूटोरियल में आप लोग को कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स भी सीखने को मिलेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट केसेस होते हैं। तो आइए देखते हैं। ये पिछले ट्यूटोरियल में मैंने बता दिया था कि इसका सिंटेक्स क्या होता है। एक बार फिर मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, फॉर लूप का वर्किंग क्या होता है, इससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम आगे जब मैं बताऊंगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अगर कुछ स्टूडेंट ने पिछले ट्यूटोरियल को मिस किया है तो आप प्लीज उसको देख लेना, तभी आपका ये ट्यूटोरियल आपको समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं इसको। तो मैंने बताया था पिछले ट्यूटोरियल में कि फॉर लूप में तीन पार्ट होते हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशनल और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो इसका वर्किंग मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। ये आपका इनिशियलाइजेशन पार्ट है। फॉर लूप में आपका जो फॉर लूप का एग्जीक्यूशन है वो आपका इनिशियलाइजेशन से स्टार्ट होता है, उसके बाद कंडीशन में जाता है। अगर आपका कंडीशन ट्रू है तो आपका बॉडी पार्ट में आता है, मतलब कि ये लूप के अंदर में आ जाएगा। अगर आपका कंडीशन ट्रू है तो ये लूप के अंदर में आ जाएगा। उसके बाद ये लूप एग्जीक्यूट होने के बाद, मतलब कि बॉडी के अंदर में आपने जो लिखा है उसको एग्जीक्यूट होने के बाद आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के पास जाता है। उसके बाद फिर आपका कंडीशन में आता है। कंडीशन के बाद फिर आपका बॉडी के अंदर में आता है। ये बॉडी में एग्जीक्यूट होने के बाद फिर आपका कंडीशन में आता है। उसके बाद ऐसा कंटिन्यू चलते रहता है, कंडीशन बॉडी इंक्रीमेंट, कंडीशन बॉडी इंक्रीमेंट। अब यहाँ पर इनिशियलाइजेशन पार्ट है वो एक ही बार पूरे लाइफ साइकिल में एग्जीक्यूट होता है। क्लियर है? अब यहाँ पर मैं इम्पोर्टेंट पार्ट्स आपको बताना चाहूंगा कि ये जो इनिशियलाइजेशन, कंडीशनल और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये जो तीनों पार्ट है यहाँ पर ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल का मतलब क्या कि अगर आप यहाँ पर इनिशियलाइजेशन की जगह पर मैंने इनिशियलाइजेशन नहीं लिखा तो भी आपका चलेगा, कंडीशनल नहीं लिखा तो भी चलेगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं लिखा तो भी चलेगा। कहने का मतलब ये तीनों आपका ऑप्शनल होता है। और इसमें से सेकंड पॉइंट क्या है इंपॉर्टेंट कि ये जो कंडीशनल है ये कंडीशनल बाय डिफॉल्ट ट्रू होता है। सपोज आपने कोई कंडीशन नहीं लिखा तो वहां पर बाय डिफॉल्ट ट्रू उसको समझता है। क्लियर है? तो आइए इसको एग्जांपल से आगे देखते हैं। ये जो मैंने आपको जो पॉइंट्स बताए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ इसका पॉइंट्स को। पहला पॉइंट क्या है कि जो एक इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये जो तीनों पार्ट है ये आपका ऑप्शनल होता है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि ये जो आपका कंडीशनल है, अगर आप यहाँ पर कंडीशन नहीं लिखते हो तो बाय डिफॉल्ट इसको ट्रू समझता है, मशीन इसको बाय डिफॉल्ट ट्रू समझेगा। क्लियर है? तो आइए देखते हैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ। ये एग्जांपल मैंने पिछले ट्यूटोरियल में भी बताया था कि ये मेरा यहाँ से यहाँ का पार्ट आपका इनिशियलाइजेशन है और यहाँ से यहाँ का पार्ट आपका कंडीशन है और यहाँ से यहाँ का पार्ट आपका इंक्रीमेंट है। तो आपका स्टार्ट होता है इनिशियलाइजेशन से, यहाँ से स्टार्ट होता है। क्लियर है? उसके बाद कंडीशन में जाता है, कंडीशन में जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो आपका ये लूप के अंदर में आएगा और लूप के अंदर में जो भी आपने कोड लिखा है उसको एग्जीक्यूट करेगा। अभी फिलहाल मैंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट में ओके प्रिंट कर रहा हूँ तो ये ओके प्रिंट हो जाएगा। ओके प्रिंट हो गया, उसके बाद यहाँ से डायरेक्ट इंक्रीमेंट पे जाता है। इंक्रीमेंट में जाएगा तो अब एक्स का वैल्यू 1 हो जाएगा, एक्स का वैल्यू 0 था अब 1 हो जाएगा। अब उसके बाद फिर ये कंडीशन में जाएगा, अभी एक्स का वैल्यू 1 है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। फिर लूप के अंदर में आएगा, बॉडी में ओके प्रिंट होगा, फिर इंक्रीमेंट होगा, कंडीशन चेक करेगा, बॉडी में आएगा, ऐसा चलते रहेगा। ये तब तक चलता रहता है जब तक आपका ये कंडीशन फॉल्स नहीं होता है। जैसे ही आपका ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है आपका ये लूप क्लोज हो जाएगा, मतलब ये लूप से बाहर चला जाएगा। और ये जो इनिशियलाइजेशन पार्ट है पूरे लाइफ साइकिल में, फॉर लूप का लाइफ साइकिल में एक ही बार एग्जीक्यूट होता है, कॉल होता है। क्लियर है? अब हम लोग पॉइंट पे आते हैं। पहला मैंने पॉइंट क्या बताया कि ये जो इनिशियलाइजेशन पार्ट है और जो कंडीशनल पार्ट है और ये जो इंक्रीमेंट, ये जो तीनों पार्ट है आपका ऑप्शनल होता है। कहने का मतलब कि अगर मैं यहाँ पर मैं इनिशियलाइजेशन नहीं लिखता हूँ तो भी आपका रन होगा। तो यहाँ पे मैं देखो कुछ केसेस में लिखता हूँ। तो सबसे पहली पॉइंट मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि ये जो है वायर ए इज इक्वल टू 0 लिखा, ये तीनों आपका ऑप्शनल होता है। मान लो कि यहाँ पर मैंने कुछ नहीं लिखा, मैंने यहाँ पर सिर्फ ऐसा लिखा, फिर भी आपका आउटपुट आएगा। लेकिन इस सिचुएशन में आउटपुट क्या आएगा,
आपका आउटपुट इनफाइनाइट लूप तक चला जाएगा, मतलब कि आपका ओके ओके प्रिंट होते ही जाएगा, आपका रुकेगा नहीं, ब्रेक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं दिया है, कोई मतलब कि इनिशियलाइजेशन सब ऑप्शनल है। ये पॉइंट आपका था कि इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सब ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल का मतलब कि यहाँ पर मैंने कुछ नहीं लिखा, दो बार सेमी कॉलम दिया, फिर भी आपका ये कोड वैलिड है। ये सब इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि आपको इंटरव्यू में क्या पूछेगा कि ये कोड वैलिड है कि नहीं है, तो आप क्या बताओगे ये कोड वैलिड है। क्यों? क्योंकि हम लोग को पता है कि फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तीनों ऑप्शनल होता है। क्लियर है ये पॉइंट? आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। लेकिन इसका आउटपुट आपका इनफाइनाइट लूप तक जाएगा, ओके ओके आपका प्रिंट होते ही जाएगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट पॉइंट मैं बताता हूँ कि मान के चलो कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर ऐसा लिखा इंट, सॉरी यहाँ पर मैं वायर लिखता हूँ एक्स इक्वल टू जीरो लिखा, और मैं फॉर लूप में लिखता हूँ मैं ऐसा, इसको मैं ये वाला जो पार्ट है इसको मैं यहाँ लिखता हूँ। क्लियर है? अब यहाँ पर मैं कंडीशन लिखता हूँ एक्स लेस देन फोर, अब फिर मैं यहाँ पर एक्स प्लस प्लस लिखता हूँ। तो आप लोग बताओ कि ये कोड वैलिड है कि इनवैलिड है, आप लोग बताइए। तो ये कोड वैलिड है, ये सब इंटरव्यू में आपको केसेस चेंज करके पूछेंगे। जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे टेक्निकल इंटरव्यू में, तो आपको ये सब चेंजेस करके पूछेंगे, तो ये कोड आपका वैलिड है। तो आपको पता है कि अभी मैंने क्या बताया कि अभी मैंने बताया आपको कि यहाँ से यहाँ तक का पार्ट इनिशियलाइजेशन है, और मैंने बताया था कि इनिशियलाइजेशन और ये सब यहाँ पर नहीं लिखा तो भी चलेगा, मैंने यहाँ तो लिख दिया। क्लियर है? ये जो भी मेरा इनिशियलाइजेशन का पार्ट था, यहाँ का पार्ट, वो मैंने यहाँ लिख दिया। क्लियर है? और ये मेरा कंडीशन है और ये मेरा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है। तो हम लोग को पता है कि इसका वर्किंग क्या है, हम लोग को फॉर लूप का वर्किंग पता है। तो आइए देखते हैं कि इसका वर्किंग कहाँ से स्टार्ट होगा। तो हम लोग को पता है कि इसका वर्किंग इनिशियलाइजेशन से स्टार्ट होगा। तो ये पार्ट मेरा इनिशियलाइजेशन है, तो इसके जगह पर मैंने क्या लिखा ओके, तो आपका ओके प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब होता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट का मतलब होता है प्रिंट करना। कोई भी स्टेटमेंट को अगर आपको कंसोल पे प्रिंट करनी है जावास्क्रिप्ट में, तो हम ये यूज करते हैं ये कमांड। क्लियर है? तो इनिशियलाइजेशन के जगह पर मैंने ये लिखा, तो ओके आपका प्रिंट हो जाएगा एक बार। अब उसके बाद इनिशियलाइजेशन के बाद कहाँ जाएगा? कंडीशन पे। तो कंडीशन पे आ गया। अब देखो कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, एक्स का वैल्यू क्या है, मैंने एक्स का वैल्यू यहाँ पर लिख दिया है। ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरे को यहाँ पर लिखना है, मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ। तो मैंने एक्स का वैल्यू यहाँ पर लिख दिया, तो एक्स का वैल्यू जीरो है, तो ये आपका कंडीशन ट्रू है। अगर आपका ये कंडीशन ट्रू है तो फिर आपका लूप के अंदर में आएगा। ये देखो ये लूप के अंदर में आ गया। अब लूप के अंदर में मैंने क्या लिखा है, यहाँ भी मैंने ओके प्रिंट किया है। अगर मैंने यहाँ पे हेलो कर दिया तो आपका क्या प्रिंट होगा, यहाँ पर ओके के बाद यहाँ पे हेलो आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर हेलो आ जाएगा। अब ये बॉडी के बाद, ये कंप्लीट होने के बाद फिर कहाँ जाएगा, इंक्रीमेंट पे, क्योंकि हम लोग को वर्किंग पता है, इंक्रीमेंट पे आएगा। अब x का वैल्यू क्या हो जाएगा, अब x का वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि अभी फिलहाल x का वैल्यू 0 था, अब x का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब किसके पास जाएगा, कंडीशन के पास। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन है, ये लाइन आपका एक ही बार प्रिंट होगा, क्योंकि ये पार्ट आपका इनिशियलाइजेशन का है। तो आपको पता है इनिशियलाइजेशन फॉर लूप के पूरे लाइफ साइकिल में एक ही बार एग्जीक्यूट होता है, तो आपका कंडीशन के पास आएगा। अब ये कंडीशन चेक करेगा, अभी फिलहाल x का वैल्यू क्या है, अब x का वैल्यू 1 हो चुका है, तो ये कंडीशन चेक करेगा, तो ये कंडीशन ट्रू है, क्योंकि यहाँ पर 1 रखा और ये लेस देन 4 है, तो वैसे ये ट्रू है। ट्रू होगा कंडीशन तो आपका बॉडी के अंदर में आएगा, मतलब लूप के अंदर में। लूप के अंदर में मैंने क्या लिखा है, हेलो, तो ये हेलो फिर आपका प्रिंट हो जाएगा ऐसा, फिर हेलो आपका प्रिंट हो चुका है। अब फिर यहाँ से आपका डायरेक्ट इंक्रीमेंट होगा, अब यहाँ पर इंक्रीमेंट होगा, अब एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2, फिर कंडीशन चेक करेगा, अब एक्स का वैल्यू 2 है, कंडीशन ट्रू हो रहा है, अब कंडीशन ट्रू हो रहा है तो फिर आपका ओके हेलो प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है? हेलो फिर आपका प्रिंट हो जाएगा, फिर यहाँ से इंक्रीमेंट होगा, अब एक्स का वैल्यू 3 हो जाएगा, फिर एक कंडीशन चेक करेगा, एक कंडीशन ट्रू हो रहा है तो फिर आपका बॉडी के अंदर में आएगा, फिर वहां पर हेलो प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है? अब इसके बाद डायरेक्ट फिर अब कहा जाएगा, इंक्रीमेंट होगा, अब एक्स का वैल्यू क्या होगा, 4 होगा, अब फिर कंडीशन चेक करेगा। अब देखो ये कंडीशन फॉल्स हो रहा है, अब जैसे ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो फिर इस बॉडी के अंदर में नहीं जाएगा, मतलब फॉर लूप के अंदर में नहीं जाएगा, ये लूप से बाहर चला जाएगा। क्लियर है? तो आई होप कि आप लोग को ये एग्जांपल समझ में आ चुका होगा। मैं फॉर लूप से रिलेटेड एक और वीडियो बनाने वाला हूँ,
क्योंकि इस वीडियो में पूरा कवर नहीं होगा, मैंने पिछले वीडियो में ही बता दिया था कि कम से कम मुझे 2-3 लेक्चर लगेंगे फॉर लूप के लिए, क्योंकि मैं फुल डीप में बताने वाला हूँ, क्लियर है। तो आई होप ये ट्यूटोरियल आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग फॉर लूप के बारे में और डिटेल्स में देखेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट केसेस है वो सभी केसेस हम लोग कवर करने वाले हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू।